दोस्तों, आज पवित्र आत्मा को लेकर, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स को लेकर मसीह की देह में काफ़ी अलग अलग व्यूज़ हैं। देखिए, जब एक विश्वासी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा सभी विश्वास करने वालों को एक गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और मसीह जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना जीना प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 अध्याय उसके 7 वचन से। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यूहन्ना 16 अध्याय उसके 7, 8 और 13, 14 आयत में हम कुछ बातों को सीखते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताई। प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा सहायक है। दूसरी बात प्रभु यीशु ने कही कि पवित्र आत्मा पाप और धार्मिकता के विषय में लोगों को कन्विंस करेगा। और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। और चौथी बात कि पवित्र आत्मा मसीह की महिमा करेगा। तो दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी आए, तो आज यह वीडियो आपकी मदद करेगी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात होलीनेस, पवित्रता। देखिए, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30 आयत। यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर एक छाप दी गई है जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। हम पाप से मसीह में आने के बाद इसलिए नहीं बचते कि हमें दंड मिलेगा, लेकिन इसलिए बचते हैं कि कहीं हम पवित्र आत्मा को शोकित ना कर दें। जब हम मसीह में विश्वास में आते हैं तो हमारा पाप से बचने का मेन उद्देश्य यही होता है कि कहीं हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना कर दें, उसे दुख ना पहुंचा दें। मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर गए हैं, वहाँ पर आप बैठे हैं और दोस्त अपनी लाइफ में बिजी है, अपने परिवार में बिजी है, आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ें टीवी में देख रहा है, टीवी में लगा हुआ है और टीवी में वो सब चीज़ें देख रहा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे या फिर दोबारा से उस दोस्त के पास जाना चाहेंगे? दोस्तों, सेम चीज़ पवित्र आत्मा के साथ भी होती है। जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम शोकित कर देते हैं, इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। जब हम ऐसी गलती करते हैं तो जो हमारा दोस्त होता है वो हमसे दोबारा मिलना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के बारे में जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे हम कई बार जाने अनजाने में शोकित कर देते हैं। बाइबल का कहना है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जस्ट थिंक अबाउट दिस, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, यानी कि हमारे हाथ पवित्र आत्मा के हाथ हैं, हमारे कान पवित्र आत्मा के कान हैं और हमारा मुंह पवित्र आत्मा का मुंह है। लेकिन हम अपने हाथ को, अपने कान को और अपने मुंह को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आज ये बड़ी गंभीर बात है सोचने के लिए। तो आज एक सवाल जो हम अपने आप से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या आज हम उस लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हम उस पवित्र आत्मा को पवित्रता के साथ वेलकम कर रहे हों। दोस्तों, यदि आप पवित्रता के साथ अपने जीवन को नहीं जिएंगे तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आज से पवित्रता की ज़िंदगी जीना शुरू करें। देखिए, जैसे पवित्र आत्मा का नाम है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन से पवित्रता को पसंद करते हैं।
तो यदि आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में पवित्रता महसूस ही नहीं हो रही, आप कोशिश कर रहे हैं पवित्र होने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, और फिर आपके मन में सवाल आता है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पवित्र नहीं हैं। दोस्तों, पवित्रता में बढ़ें तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जरूर अपने जीवन में महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात, फेथ, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए कहता है तो क्या आप विश्वास से आगे बढ़ते हैं या फिर डाउट करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को और अपनी आवाज़ के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं? सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम वो कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा हमसे करवाना चाहता है। कई बार हमें कन्फ्यूजन लगेगी, लेकिन वो करें या ना करें, क्या ये पवित्र आत्मा ने कहा है, ये मुझे ऐसा करना है नहीं करना, कई बार आपको शायद शर्म भी फील होगी, लेकिन फिर भी आप वो करें जो पवित्र आत्मा ने आपको करने के लिए कहा है। आपने ऐसी बहुत सी गवाहियाँ सुनी होंगी। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसे कई बार बस में हुआ है। एक बार मैं एक पुलिस वाले के साथ बस में था। अब मैंने सोचा मैं इसे सुसमाचार बताऊं या ना बताऊं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुम इसे सुसमाचार बताओ। मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को कुछ देर तक तो दबाया, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया और वो व्यक्ति आज एक काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, दोस्त है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनें, और ये सुनना और उसके ऊपर अमल करना सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा पॉसिबल है, क्योंकि हमें लगेगा शायद ये मेरी आवाज़ है, लेकिन आपको पहचानना है कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है तो उस चीज़ को करें, विश्वास के साथ करें, उसमें कभी भी डरे ना। जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है वो करें, क्योंकि लिखा है जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब जो विश्वास से उस कदम को बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो पवित्र आत्मा ने कहा है वो करने के लिए तैयार हैं, पवित्र बाइबल का कहना है कि वो ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, और पवित्र आत्मा के चलाए चलने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरने के लिए हमारे जीवन में विश्वास की भी भरपूरी होनी चाहिए। जब हम विश्वास से ही भरपूर नहीं हैं तो हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरी बात, अवेयरनेस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में जागरूक होना। लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 14:16 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक सहायक देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु ने वादा किया है कि पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की आत्मा हम मनुष्य के साथ हमेशा हर पल रहे। इससे बड़ी तो कोई मनुष्य के लिए बात नहीं हो सकती, राइट? कई बार आराधना के बाद लोगों को कहते हुए सुना है कलीसिया में कि आज परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज महसूस हुई। भाई साहब, पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी आपके जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ आज रियलाइज़ हुआ या इस सर्विस के बाद रियलाइज़ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति तो हमारे संग और साथ रहती है, लेकिन हम उसे रियलाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में जागरूक ही नहीं है। इसलिए यदि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, अपने जीवन में भरपूर होना चाहते हैं, तो जागरूक हों उसके बारे में। पता करें कि पवित्र आत्मा आपसे कैसे बात कर रहा है। जीवन में शांत हों, शांत होकर परमेश्वर को समय दें कि प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें, और आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को, उनके गाइडेंस को जरूर अपने जीवन में फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और पवित्र आत्मा आपसे क्या कराना चाहता है वो भी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस शॉर्ट मैसेज में मैं आपको तीन बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात हमने सीखी कि होलीनेस, पवित्रता। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो पवित्रता के साथ आगे बढ़ें। दूसरी बात हमने सीखी, थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस करना चाहते हैं। और तीसरी बात हमने सीखी, अवेयरनेस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में जागरूक होना
महसूस करना कि यहाँ पर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है और आप उस चीज़ को कैसे फील कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों,